नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार रामनवमी 30 मार्च 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि देवी और देवताओं का भोग और प्रसाद अलग अलग होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को क्या भोग लगाना चाहिए। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम को चावल की बनी खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि माना गया है कि श्री राम को खीर अति प्रिय है। वही रामनवमी के अवसर पर आप हलवा पूरी का भोग भी लगा सकते हैं। पंच वस्तुओं से बने पंचामृत का भी भोग लगाएं। आप चाहें तो पंचामृत के साथ साथ पीसे हुए धनिया में गुड़ और शक्कर मिलाकर पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। रामनवमी के अवसर पर खोए और अन्न से बने अलग अलग मिष्ठान का भोग भी लगाया जाता है। ध्यान रहे कि भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें भोग जरूर लगाएं और साथ ही जरूरतमंदों को उस भोग को प्रसाद स्वरूप देना भी शुभ फलदायी माना गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।